उठ गई थी 3 बजे, 3 बजे उठ के बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो मैं बैठी आधे घंटे तक बाहर। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया जो कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। एंड मेरे बालों का वो बैंड बच चुका है और बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ बालों में अपने ये सोफ्रामाइसिन क्रीम। तो ये कैसा होता है आपके बालों के लिए आई डोंट नो, बट मैं यूज़ करूँगी, हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इससे हेयर फॉल कम होता है कि नहीं होता है, कितने परसेंट तक कम होता है, फर्स्ट यूज में कैसे होता है, सारी चीज़ें। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डे बाय डे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती है स्किन एंड हेयर से रिलेटेड एंड जो मेरी लाइफ में चल रही है उससे रिलेटेड भी, और डिफरेंट डिफरेंट मेकअप टाइप्स, मेकअप आइडियाज़ देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। कल था मेरा फास्ट, सावन चल रहा है, सोमवार का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। अभी मेरा शिफ्टिंग हुआ है नया, तो मैंने नीचे यहाँ पे छोटा वाला गैस रखा हुआ है और ये देखिए अभी कुछ भी नहीं है घर में, मेरे हस्बैंड आएंगे बच्चों को लेके, तो सब कुछ धीरे धीरे मैनेज होगा और कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ सारी चीज़ें पता चलेंगी आप लोगों को। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। सोफ्रामाइसिन क्रीम को चेहरे पर तो सभी ने यूज़ किया होगा, बट हम करेंगे आज बालों पर यूज़ और बताएँगे कि कैसे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बालों में लगाना और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सब्जी उतार के मैंने रख दिया चावल, चावल बनता है तब तक हम लोग बालों में अपने अप्लाई करते हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम। और फिर फोन को कहाँ लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्टैंड भी है मेरे, और मैं हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है, आ रहा है, तो चलो यहीं पर लगाते हैं। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, बट यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ गर्मी, चलिए कहीं और चलते हैं। मैं बैठ के अपने रूम में एंड यहाँ का तो लाइट ही नहीं जल रहा है, तो पार्लर में चलते हैं। तो ये आ गई हूँ मैं अपने पार्लर में एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगी मशीन के ऊपर अपना कैमरा, यहाँ पे देखो, और ये मैंने बटन ऑन छोड़ दिया था, इसको ऑफ कर देते हैं। यहीं पे काम हो रहा था, इतना ज़्यादा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये है टोटल 110 पीसेस, तो भी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नहाऊंगी बालों में लगाने के बाद, तो चलिए सोफ्रामाइसिन लगाते हैं। आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग है, एलर्जी है, तो आई थिंक इससे ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी इसको ट्राई किया बट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वीडियो मैंने इस फेस के लिए शेयर किया था। तो इस तरीके से जड़ों में अप्लाई करेंगे और मैं इसको 1 घंटे तक बालों में रखूँगी ताकि ये अपना वर्क अच्छे से कर पाए, और बालों को शॉर्ट्स भी करने वाली हूँ मैं, क्योंकि बाल बड़े तो है बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और काम भी बहुत रही है, तो दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से पूरे बालों में अप्लाई करूँगी सोफ्रामाइसिन क्रीम। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, हेयर वॉश करने के बाद बताऊंगी फाइनल रिजल्ट। तो इसी तरीके से पूरे बालों में आपको अप्लाई करना है। जैसे हम फ्रंट में यूज कर रहे हैं वैसे ही आपको बैक में भी लगा लेना है थोड़ा। वैसे मैंने ये वाला टिप्स बहुत सारे लोगों को बताया, उनको फ़ायदा मिला है, तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूज़ करूँ जब सबको इससे फ़ायदा हुआ है, तो अभी मुझे भी हो जाए। वैसे मुझे जल्दी सीधी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, अच्छे से इस तरीके से मसाज कर देंगे। बैक में लगाने के लिए मैं इस तरीके से फिंगर पे ले रही हूँ इसको, ऐसे फैला लूँगी एंड बैक में जड़ों में अप्लाई कर लेंगे। मुझे बैक से ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं,
कई लोग सोचते हैं फ्रंट में तो इतने अच्छे बाल हैं, बट मुझे बैक से स्टार्ट झड़ता है। किसी लोग कितने लोगों के फ्रंट से ये सब झड़ जाते हैं, बट मुझे बैक से बालों का हेयर फॉल होते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है एंड मैं इसको एक घंटे तक अपने बालों में ऐसे ही लगा रहने दूँगी। देखते हैं ये सोफा माइसिंग कितना बालों में असर करता है। और मैं आपको दिख रहा हूँ हेयर फॉल के लिए बेस्ट है। अभी फाइनल देखिएगा लास्ट तक तो लगा लिया मैंने इसको, रखते हैं बालों में ऐसे ही और जुड़ा बना के छोड़ देंगे एक घंटे के लिए। इसको लगा देंगे और ऐसे ही रहने देंगे एक घंटे के लिए। और स्किन की बारी आती है, स्किन पे मैं लगाऊंगी केला। केला से आपकी स्किन को जो लूज पड़ता है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक हटते हैं, डार्क सर्कल के लिए बेस्ट है। तो अगर आप केला खा रहे हो तो केला तो आप खा लो, लेकिन उसका जो छिलका है उसको भी नहीं फेंकना, उसको अपने स्किन पे रब करना है। उससे आप देखोगे कि आपकी टैनिंग, डेड स्किन, सारी स्किन की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी। तो चलिए अप्लाई करके दिखा देती हूँ, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि केले का पैक कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिजल्ट है, कितना हद तक आपको फ़ायदा करता है, नुकसान करता है, सारी चीज़ें। इसमें सिर्फ हेयर फॉल के लिए रहने देते हैं। हेयर वॉश करके मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर नहीं एक घंटे के बाद। एक घंटे के बाद मैं जाऊँगी हेयर वॉश करने, उसके बाद मैं आप लोग को रिजल्ट बताऊँगी। चलिए मिलते हैं। नए पीसेज आए थे तो इसमें से मैंने इतने बना के रखे हैं, और ये जो थैला पड़ा हुआ है इसमें मैंने और भी पीसेज ला के रखे हुए हैं उसको बनाने के लिए। तो आते आते शाम हो गई, शाम होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मैंने हेयर स्टाइल वाला जो बताया था कि हेयर वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट बताऊँगी। तो चलिए मैं भी यहाँ पर कॉम करके आपको दिखाती हूँ कैसा रिजल्ट है, क्या है। अगर पसंद आए, अच्छा रिजल्ट आए तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। चलिए कैमरे को यहाँ सेट करके, बट यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा क्योंकि रात हो चुकी है, तो कैमरे को लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। जो वैसे कैमरा नहीं है, मेरा फ़ोन है और डार्क सर्कल बहुत ध्यान है दिख रहे हैं। तो मैं कहाँ लगाऊँ कैमरा, कहाँ लगाऊँ, यहाँ तो अच्छा दिख रहा है। चलिए यहाँ पे लगा, गिरना चाहिए गिरना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप लोग मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से बालों को खोल लिया है एंड मेरे बालों रबड़ बैंड में एक भी हेयर नहीं आया है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो रखे हैं, बैग कटे हुए हैं तो वो फेस पे आ जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं मुझे। चलिए आपके सामने ही कॉम कर रही हूँ और आपको कॉम दिखाऊंगी कि कितना हेयर फॉल हुआ है, क्या हुआ है, सारी चीज़ें। तो ये वर्क करता है, 100% इफेक्टिव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो सोफ्रामाइसिन क्रीम बेस्ट है हेयर के लिए एंड स्किन के लिए। तो मेरा हेयर अभी नहीं झड़ रहा है, हाँ मैंने कॉम किया था, तो जब मैंने हेयर वॉश किया था उसके बाद कॉम किया था तो थोड़े बाल निकले थे क्योंकि वो पहले से डैमेज हो रखे थे बहुत ज़्यादा, बट मैंने अभी ये लगाया है तब से बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट शाइनिंग दिख रहे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, डल हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है, तो आप एक बार ये ट्राई करो, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा हेयर फॉल अभी उतरेगा कभी, और मैं बाल काटने वाली थी परेशान होकर, फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने पहले इसको ट्राई कर लिया है और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो चुके थे, इसीलिए मैंने दोबारा ट्राई किया है एंड सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। क्योंकि बहुत सारी लेडीज जेंट्स सभी होंगे जो बालों के झड़ने से बहुत परेशान हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड
वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरा बाल नहीं कटेगा क्योंकि मेरा बाल यार बहुत रुक गया एंड काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, टच करने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है। नहीं तो मैं अपने बालों में 3-3 दिन तक कभी नहीं लगाती थी हेयर फॉल होने की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर हम बन जाएंगे। बाय बाय। फाइनली जब मैं अपना हेयर कट करने वाली थी उसके बाद से मेरा हेयर फॉल रुक गया है। कैसे रुका, क्या यूज़ किया, कैसे बाल दोबारा से अच्छे हो गए, बालों को टच करने का मन कर रहा है, झाड़ू जैसे डैमेज डल बाल हो गए थे और मैं परेशान होकर कट करने जा रही थी, तभी सडनली मुझे याद आया मैं बहुत टाइम से एक चीज़ टिप यूज़ करती थी जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल रुक जाता था। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी था, मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा परेशान होती थी हेयर फॉल होने की वजह से, लेकिन मैंने इसको एक बार ही यूज़ किया, मेरा हेयर फॉल एकदम रुक गया है। यकीन नहीं है मेरे कि कॉम में भी यही बाल है, तो कंघी करते ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलते थे, ऐसे मतलब गुच्छे के गुच्छे निकलते थे। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप भी जाके वीडियो देख लीजिए और ट्राई कीजिए, जिसका भी हेयर फॉल होगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिनके भी हेयर फॉल होते हैं उनको। एंड थैंक यू वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, बार बार टच भी करने का मन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, डल हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है, तो आप एक बार ये ट्राई करो, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा हेयर फॉल अभी रुकेगा कभी, और मैं बाल काटने वाली थी परेशान होकर, फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने पहले इसको ट्राई कर लिया है, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो चुके थे, इसीलिए मैंने दोबारा ट्राई किया है एंड सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जेंट्स सभी होंगे जो बालों के झड़ने से बहुत परेशान हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरा बाल नहीं कटेगा क्योंकि मेरा बाल यार बहुत रुक गया एंड काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, टच करने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है। नहीं तो मैं अपने बालों में 3-3 दिन तक कभी नहीं लगाती थी हेयर फॉल होने की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर हम बन जाएंगे। बाय बाय।